नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि कैसे हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से भाग कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन दी गई है एक्स की 4 माइनस 4x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस 4x प्लस 31। इसको हमने भाग करना है एक्स की 2 माइनस 6x प्लस 7 से। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो है इसका इस तरफ लेफ्ट साइड में उसको कैंसिल करते जाना है। जैसे एक्स की 2 आया, आपने रफ वर्क किया, ठीक है, रफ वर्क, ठीक है। इसमें आपने देखा कि अगर एक्स की 2 को मल्टीप्लाई करता हूं एक्स की 2 के साथ तो एक्स की 4 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अगर एक्स की 4 कैंसिल करेंगे, सारे को मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्स की 2 माइनस 6x प्लस 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की 2 के साथ, एक्स की 4 6x इंटू एक्स की 2 पावर्स एडिशन हो जाती है। जैसे यहाँ x की 3 हो जाएगा और यहाँ 7x की 2 हो जाएगा। तो इसको मैं इसके नीचे रखता हूँ, x की 4 6x की 3 प्लस 7x की 2। अब देखो साइन हम चेंज कर लेंगे, जो साइन है ना ये प्लस में है, तो इसको माइनस में कर दो, ये माइनस में, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया। तो ये जो भागफल आएगा आपका, ये x की 2 है, ओके तो मैं इसको कैंसिल करता हूं, ये प्लस में ये माइनस में, ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस में ये माइनस में, प्लस की पावर ज्यादा है, 6 में से 4 घटा दो, दिस इज अ 2, ये 2 प्लस में आ गया, x की 3 आ गया। और ये माइनस में, ये माइनस में, 7 और 2 9 हो गए, ये माइनस में 9, x की 2 आ गया। बाकी वैसे के वैसे बैलेंस मैं ले लेता हूं, 4x प्लस 31। अब मैं ये देखूंगा कि 2x प्लस में है तो x की कितनी पावर लो, 2x की 3 बने, तो x की 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2x से तो ये है 2x की 3 आता है, ओके। तो इस 2x को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं करके दिखाता हूं, x की 2 माइनस 6x प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया 2x के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 2x की 3, 6 इंटू 2 12, और ये आपके पास x की 2, x मल्टीप्लाई x पावर एडिशन हो गई, x की 2 हो गया, ये 7 इंटू 2 14 x आ गया। तो मैंने इसको डाल दिया यहाँ 2x की 3 माइनस 12x की 2, यहाँ 14 x आ गया। अब साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ये कट गया। आपके पास प्लस की पावर ज्यादा है, 12 में से 9 आप घटा दो, माइनस कर दो, दो यहां और एक यहां, 3 प्लस में x की 2 है और ये एडिशन हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 14 प्लस 4 ये आ गया आपके पास माइनस 18x, 31 हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है कि 3x की 2 देखना है, मैं देखता हूं जस्ट 1 मिनट। ये x की है, x की 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3 के साथ तो 3x की 2 आ जाएगा। तो इस सब को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, एक्स की 2 माइनस 6x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x की 2 के साथ, और यहां हम एक मिनट देख रहे हैं कि एक्स की 2 लिखा, उसके बाद यहां प्लस में 2x लिखा और यहां 3x लिखा, प्लस में 3x आ गया हमारा, ठीक है। तो यहां हम चल रहे हैं, अब ये देखो 3x की 2 आ गया, माइनस में 6 इंटू 3 18 एक्स की एक्स है ना, जस्ट 18 एक्स आ गया, और फिर से 3 को, जस्ट 3 को हमने मल्टीप्लाई करना यहां, और यहां आ गया आपका 721। तो ये आ गया माइनस प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, 18 ये कैंसिल हो गया, हमारा बैलेंस 30 0 1, 10 प्लस में ये बैलेंस आ गया, और यहां प्लस हमने किया 3, जस्ट 3 हमारा, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा बैलेंस है। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से भाग कर सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।